नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास कर चुके हैं और फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हाईवे इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं, जो कि यूपीपीटी फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण क्या है, सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये आपका कौन सा पहला चैप्टर कर रहे थे, तो हम जनरल क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका और लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, चलिए। अब प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, सड़कों का वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड, है ना। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड में हम पढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। तो सबसे पहली जो सड़क होती है वो कौन सी होती है, देहाती सड़क। दूसरी होती है प्यारे बच्चों शहरी सड़क, और तीसरी होती है प्यारे बच्चों कौन सी, पहाड़ी सड़क। ठीक है, चलिए। आपसे कहोगे सर देहाती सड़क के बारे में आपने बता दिया, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो प्यारे बच्चों सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो सड़क शहरों से दूर गांव देहात में पाई जाती हैं, ये सड़कें क्या होती हैं, देहाती सड़कें होती हैं। और देहाती सड़कें सामान्यतः एक सिंगल पट्टी वाली सड़कें होती है, जिनके आसपास कच्चे बर्म बनाए जाते हैं। ये सामान्यतः जो गांव है उनको कैसे जोड़ती हैं, शहरों को या फिर कस्बों से जोड़ती हैं। ठीक है, चलिए। अब शहरी सड़कों के बारे में कोई पूछे तो शहरों में पाई जाने वाली सड़कों को शहरी सड़कें कहते हैं, और यह सड़कें सामान्यतः, यह सड़कें प्यारे बच्चों सामान्यतः किसके द्वारा बनती हैं बताओ, तो यह सड़कें प्यारे बच्चों सामान्यतः किसके द्वारा, मतलब यह सड़कें जो देहाती सड़कें हैं उनसे सामान्यतः क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। तो सामान्यतः क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं। पहाड़ी सड़कें, पहाड़ों में पाई जाने वाली सड़कें पहाड़ी सड़क हो जाएंगी। इन सड़कों का जो निर्माण किया जाता है बच्चे, वो पहाड़ी काट कर किया जाता है। तो इन सड़कों पर जो आपने देखा होगा कि एक तरफ तो गहरी क्या होती है, खाई होती है, दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी होती है, और अपेक्षाकृत इन दोनों सड़कों के, इस पहाड़ी सड़क का मेंटेनेंस का भी खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो किसका आता है, मेंटेनेंस का भी खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो यहां पर आपने जाना कि क्षेत्र के आधार पर सड़कें, देहाती सड़कें वह सड़कें जो गांव को कस्बों से या फिर शहरों से जोड़ती हैं उन्हें देहाती सड़कें कहते हैं। ये सामान्यतः सिंगल पट्टी वाली सड़कें होती हैं, दोनों तरफ क्या बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्म बनाए जाते हैं, और साथ के साथ कि इन बर्मों कटाव ना हो तो घास वगैरह भी लगा दी जाती है। शहरी सड़कें सामान्यतः गांव वाली सड़कों से चौड़ी होती है, है ना। चलिए, पहाड़ों में पाई जाने वाली सड़कें पहाड़ी सड़कें, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। अब दूसरा पढ़ेंगे यातायात के आधार पर, यातायात के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। सबसे पहले अधिक यातायात वाली सड़क, तो अधिक यातायात वाली सड़क जिसपे से प्यारे बच्चों क्या जाते हैं कि 600 वाहन प्रतिदिन प्लस, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस, जिस सड़क पे 600 वाहन प्रतिदिन जाते हैं वह कैसी होती है, अधिक यातायात वाली सड़कें होती है, 600 वाहन या फिर इससे अधिक वाहन जाते हैं। दूसरा, भारी यातायात वाली सड़क, तो आप लिख सकते हैं कि जिन सड़कों से 275 से लेकर 600 वाहन जाते गुजरते हैं वह कौन सी सड़क होती है, भारी यातायात वाली सड़कें होती है। तीसरा लिखेंगे कौन सी, मध्यम यातायात वाली सड़क, मध्यम यातायात वाली सड़क। तो प्यारे बच्चों, ये मध्यम यातायात वाली सड़कों से प्रतिदिन 70 से
275 वाहन गुजरते हैं तो वह मध्यम यातायात वाली सड़कें होती हैं। चौथी कौन सी होती है? हल्के यातायात वाली सड़क, हल्के यातायात वाली सड़क। ठीक है, मैं तीन आधार पर करूंगा, एक दो बचता है तो आप खुद से कर लेंगे, इतना ही काफी है। तो 70 वाहन तक प्रतिदिन, तो जिन सड़क से 70 वाहन, 70 से गाड़ी ऊपर जाएगी तो मध्यम यातायात में, 275 से गाड़ी ऊपर जाएगी तो किस में? भारी यातायात में, और 600 से ऊपर जाएगी, 600 से ऊपर तो अधिक यातायात वाली सड़कें हो जाएगी। तो क्षेत्र के आधार पर सड़कों का विभाजन किया, और किसके आधार पर? यातायात के आधार पर हमने सड़कों का विभाजन कर लिया है प्यारे बच्चों। तो अधिक यातायात वाली सड़कों से 600 वाहन प्रतिदिन से अधिक गुजरने चाहिए, भारी यातायात वाली में से 275 से 600 वाहन गुजरने चाहिए, मध्यम यातायात वाली सड़कों से 70 से 275 वाहन गुजरने चाहिए, और हल्के यातायात वाली सड़क से 70 वाहन तक प्रतिदिन गुजरने चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक और आधार पर कर लेते हैं कि सड़क सतह के आधार अनुसार वर्गीकरण। तो किसके आधार पर? सड़क सतह के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, चलिए चलो एक और कर ले रहे हैं। कौन सा? कि सड़क सतह के आधार पर वर्गीकरण, सड़क सतह के आधार पर वर्गीकरण। तीन आधार पर हम कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाती है? कंकड़, बजरी या मुरम वाली सड़क, जो सामान्यतः है कंकड़ बजरी या मुरम से बनाई जाती है, वह कंकड़ बजरी वाली मुरम सड़क कहलाती है, है ना। चलिए अब दूसरी सड़क कौन सी है? जलबद्ध, मैकेडम सड़क। तो प्यारे बच्चों कौन सी? जलबद्ध मैकेडम सड़क। प्यारे बच्चों इस सड़क में, यह सड़क जो मैकेडम सड़क होती है, ये पत्थरों का उपयोग करके बनाई जाती है, और खास तौर पर यह सड़क पहाड़ी अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहां पर क्या होता है कि पहले कुछ मोटे पत्थर है ना, है ना, तो कुछ सामान्य मोटे पत्थर, फिर उनसे छोटे पत्थर की एक लेयर, और सीधे सबसे छोटे पत्थर की लेयरों में तीन लेयर बनाई जाती है, जिनके कारण जलबद्ध मैकेडम सड़क बनाई जाती है। मान के चलो कि ये सड़क है ना, तो यहां कितने मोटे मोटे पत्थर बिछा दिए, सबसे मोटे पत्थर है, ठीक है। फिर ये दूसरी लेयर आई तो हल्के मोटे पत्थर बिछा दिए ना, तो हल्के मोटे, और फिर ये तीसरी आई तो सबसे हल्के हल्के मोटे मोटे पत्थर बिछा दिए, है ना। यही सड़क कहलाती है मैकेडम जलबद्ध सड़क, जलबद्ध मैकेडम सड़क। ये पत्थरों से बनाई जाती है, सबसे पहले मोटी त्रिज्या के पत्थर, फिर उससे कम त्रिज्या के, और सबसे छोटी त्रिज्या के पत्थर लगाए जाते हैं, है ना। तीसरी होती है बिटुमिन्स वाली सड़क। कौन सी? बिटुमिन्स वाली सड़क। कौन सी प्यारे बच्चों? बिटुमिन्स वाली सड़क। जो सड़क बिटुमिन्स के आधार पर बनाई जाती है वह बिटुमिन्स वाली सड़क कहलाती है। तो कौन सी प्यारे बच्चे? बिटुमिन्स वाली सड़क। अगर मैं चौथी सड़क की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो चौथी सड़क कौन सी होती है? फटाफट से बताओ, है ना। तो सीमेंट कंक्रीट वाली सड़क, सीमेंट कंक्रीट वाली सड़क। और इन सड़कों के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो काली सड़क होती है, कोतर वाली सड़क, उसे हम बिटुमिन सड़क कहते हैं, और सीमेंट कंक्रीट वाली सड़क, जो सीसी वाली सड़क कहलाती है, वो सीमेंट कंक्रीट वाली सड़क कहलाती है। ठीक है, चलिए तो इंट्रो पढ़ रहे हैं, और हमने जान लिया कि सड़कों का वर्गीकरण तीन आधार पर कर लिया। प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीजों को चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो भी सारी चीजें चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग बातें थी कि नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 47A, ठीक है, सड़कों का वर्गीकरण हमने जान लिया। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों यहां पर जानेंगे स्थूल परिवहन प्रणाली, स्थूल परिवहन प्रणाली के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए
चलिए फटाफट से इन सारी चीजों को नोट कीजिए, है ना। चले भाई, चलिए क्या कह रहे बच्चों, स्थूल परिवहन प्रणाली। ठीक है, फटाफट से एक सेकंड देंगे मुझे, बस चलते हैं आगे की तरफ अब आराम से। चलिए है ना, एक सेकंड रुकेंगे बस। चलिए है ना, स्थूल परिवहन प्रणाली, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना। तो इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, मास ट्रेन सिस्टम है ना। देखो देखो, बसों व ट्रेनों जैसी अगर हम सामूहिक यातायात तकनीकों का प्रयोग करके शहरों में क्या करें, आवाजाही को ही क्या कहते हैं, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि स्थूल परिवहन प्रणाली, है ना। तो क्या क्या कहते हैं कि बसों व ट्रेनों जैसे सामूहिक यात्रा तकनीक का प्रयोग करके शहर के अंदर आवाजाही ही क्या कहलाती है, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाती है। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखेंगे कि बसों बसों में ट्रेनों जैसे सामूहिक यात्रा तकनीकी का प्रयोग करके शहर के अंदर आवाजाही को मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि स्थूल परिवहन प्रणाली कहते हैं। तो क्या कहते हैं पहले बच्चे, स्थूल परिवहन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं कि बसों में ट्रेनों जैसे सामूहिक यात्रा तकनीकी का प्रयोग करके शहर के अंदर आवाजाही को मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे कि बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़क व रेल परिवहन का उत्तम प्रयोग, देखो मेरा नाम आ गया है ना, उत्तम प्रयोग आवश्यक है। तो क्या है कि बढ़ते यातायात देखने के लिए सड़क व रेल परिवहन का उत्तम प्रयोग आवश्यक है। ये दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यवस्था एक दूसरे क्या है, पूरक है, मतलब दोनों आपस में जोड़ के चलते हैं, जबकि विरोधी नहीं। तो विरोधी थोड़ी है ये कि भाई जो बंदा बस में जाएगा वो ट्रेन में नहीं जाएगा, ऐसा लिख रहे। अगर मान के चलो कहीं बोर्ड लगा दिया कि सभी बस पे जाने वाले यात्री ट्रेन में नहीं आ सकते, बस पे लगा हुआ हो कि ट्रेन में जाने वाले यात्री बस में नहीं आ सकते, जब एक दूसरे के विरोधी होते, तो एक दूसरे पे काम चलता है, बस से उतरा ट्रेन में गया, ट्रेन से उतरा बस में गया, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़क और रेल परिवहन का उत्तम प्रयोग आवश्यक है। दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की क्या है, पूरक है, विरोधी नहीं। तो यहां पर बात समझ लेंगे। और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है कि बसों व ट्रेनों जैसी सामूहिक यात्रा तकनीक द्वारा शहर के अंदर आवाजाही, है ना। ट्रेनों में आप मेट्रो को देख सकते हैं, तो शहरों के अंदर आवाजाही
सड़क परिवहन की सहायता होती है और दिल्ली कोलकाता जैसे महानगरों में मेट्रो के द्वारा मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती हैं, एसी वाली भी चलती हैं, सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको चीज समझ में आई, फटाफट बताएंगे आगे चलेंगे। आखिरकार स्मार्ट हाईवे क्या है ना, एनएच 9 है ना, ये जो गाजियाबाद वाला हाईवे गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस वे एनएच 9। प्यारे बच्चों ऐसे जो स्मार्ट हाईवे है वहां पर अगर आपकी स्पीड मान के चलो कि स्पीड लिमिट 100 है, 100 के बाद भाई साहब ने चला दी 120, सामने लगा है कैमरा स्पीडोमीटर से स्पीड याद करी, चालान काट के नंबर के द्वारा तुम्हारे घर पर भेज दिया, यही फायदा है किसका, आपके स्मार्ट हाईवे का। और यही स्मार्ट हाईवे है, यहां पर प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट प्रॉपर रेड लाइट की व्यवस्था होती है जो जाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इन पर जाम नहीं लगता, ठीक है। चलिए चलिए तो यहां तो मिटा दे भाई, चलो आगे चलते हैं। इसमें लिखेंगे ऐसी सड़कें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग करके सड़क संचालन में सुधार किया जाता है। तो क्या किया जाता है प्यारे बच्चे, सड़क संचालन में सुधार किया जाता है, इसका प्रयोग करके ट्रैफिक लाइट स्ट्रीट लाइट यातायात का स्तर स्पीड लिमिट तथा सड़क की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो क्या की जाती है प्यारे बच्चों, सड़क की स्थिति ज्ञात की जाती है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट हाईवे ऐसी सड़क है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग करके सड़क संचालन में सुधार किया जाएगा, इसमें प्रॉपर स्ट्रीट लाइट होंगी, ट्रैफिक लाइट होंगी, यातायात का स्तर पता पड़ेगा कि हैवी यातायात है, लो यातायात है, स्पीड लिमिट पता पड़ेगी और सड़क की स्थिति पता पड़ेगी कि कहां से सड़क खराब है, कहां सड़क कैसी है, प्रॉपर बूथ लगाए जाते हैं, टेलीफोन लगाए जाते हैं और इन पर जाम की समस्या भी प्यारे बच्चों नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो स्मार्ट हाईवे के बारे में अब हमने क्लास में जाना कि स्मार्ट हाईवे सड़क को आधुनिक तकनीकी से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, स्मार्ट हाईवे कहलाता है, जिसमें दुर्घटना के आंकड़े भी एकत्र होते हैं, स्पीडोमीटर से प्यारे बच्चों क्या रहती है स्पीड भी जान सकते हैं, ट्रैफिक लाइट से हम रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट, प्यारे बच्चों ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप जा सकते हैं, ठीक है, रेड लाइट का मतलब होता है कि आपको पूर्णतः रुकना ही है, लेकिन आपको अगर येलो लाइट या फिर पीली लाइट जल्दी दिखाई दे तो आप अपने दोनों तरफ देखेंगे, अगर कोई वाहन नहीं आ रहा है तो तब आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे यहाँ तीन लाइटें होती है, यातायात का स्तर ही पता पड़ता है कि हैवी यातायात है कम यातायात है ना। चलिए स्पीड लिमिट और सड़क की स्थिति, ये ऑटोमेटिक चालान वाला भी आपस में आराम से बड़े प्यार से काट देती है। चलिए तो प्यारे बच्चों ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से आपका समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 2 के साथ आपसे मुलाकात होगी, तो लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का
तो दो लेक्चरों में लगभग 50 से 60 मिनट के अंतराल पर हमने तो खत्म किया है। तो प्यारे बच्चों, इसके आपको प्रॉपर नोट्स इसके बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मुलाकात होती है आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए लेते हैं आप सुविधा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।